आज ही बहुत ही मजेदार किस्म की रेसिपी है घी की सब्जी, जो कि एक बड़े मुनफरद अंदाज में बनाई है और बहुत ही मजेदार लग रही है। और ये मैंने किस तरह बनाई है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि हम घिया को हमने किस तरह बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते और खुश खुर्रम होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का सालन बना रही हूँ सब्ज़ी का, और वो है घिया। घिये की मैं आज घिये का सालन बना रही हूँ एक बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। और चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए जो है वो मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा घिया थी वो मैंने अच्छी तरह धोने के बाद छीली है और फिर काट ली है इसको। इस तरह आप किसी भी टुकड़ों में काट सकते हैं, आप एक घिये में से 8 टुकड़े भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह काटे हैं, इसमें ज़्यादा मज़े की लगेगी। एक खाली का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है, एक अदद दरमियानी साइज़ की प्याज लेकर उसका पेस्ट बना लिया है, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उसका पेस्ट बनाया है। मसालों में मैंने 1 चाय का चम्मच भर के धड़ा धड़ा कर लिया है मैंने साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, आधी चाय के चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी कलौंजी, थोड़ा सा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक, आप हसबे जायका ले सकते हैं, और आधी चाय की चम्मच पिसा हुआ धनिया है, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चाय की चम्मच भर के मैंने धड़ा मिर्च ले ली है, चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच घी रख दिया है, और अब हम इसको गर्म करते हैं। जी गर्म हो गया है, अब लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट जी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट चलाया है, अब प्याज शामिल करते हैं पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज को। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमें प्याज को भूनते हुए, आप देख सकते हैं कि घी जो है वो छूट रहा है इसका, और अब ये ब्राउन होने लगी है, लेकिन ये ब्राउन नहीं होगी, लेकिन इसका ये भून जाएगी अच्छे तरीके से। और एक बात और आपसे कहनी थी कि सब्ज़ियाँ खाया करें, सब्ज़ियाँ खाना अच्छी बात होती है, और सब्ज़ियाँ ही हमारे खून को साफ करती हैं, हमारा नया फ्रेश खून पैदा करती हैं, और सब्जियों से तबीयत हशाश बशाश रहती है। और अगर आपको सब्जियां अच्छी नहीं लगती तो आप जब खाने लगेंगे आपको आदत हो जाएगी तो फिर आपको अच्छी लगने लगेंगी, और सब्जियों के बगैर जो है वो इंसान की सेहत जो है वो मुकम्मल नहीं ठीक रहती। और सब्जियों को आप नए नए तरीक़ों से पकाएं, इसको तजुर्बात करें उसके साथ, इसको दालों के साथ पकाएं, एक दूसरे के साथ मिक्स करके पकाएं, गोश्त के साथ पकाएं, इसके नए नए जायके बनाएं, तो कोई शक नहीं है कि आपको फिर सब्ज़ियाँ अच्छी ना लगें। आप इसके साथ तजुर्बात करें, इसको स्पाइसी बनाएं, अगर आप स्पाइसी नहीं किसी भी तरीके से इसको खाएं, आपको इंशाल्लाह जो है आप सेहतमंद रहेंगे, सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगेंगी। अब ये देखें जी प्याज जो है पानी मुकम्मल खुश्क हो गया है, पेस्ट डालते हैं टमाटर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, इस सब अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारी सेहत के लिए बनाई है, और इसमें जायके हैं, यकीनन इसमें जायके हैं, आप इन जायकों को महसूस करें तो आपको ये जायके आएंगे, आपको ये जायके महसूस होंगे अगर आप इनको महसूस करेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, हमारे फ़ायदे के लिए बनाई है, तो आप खाएं। और आप ये जो घिया जो मैं बना रही हूँ आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह गरम गरम रोटी के साथ आप इसको जब खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई इससे पहले हमने ये क्यों नहीं बनाया। तो अभी हम इसको भूनते हैं टमाटरों को, थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होता है ज़रा, क्योंकि पेस्ट बनाने में थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जी कि टमाटर भी अच्छी तरीके से खुश्क हो गए हैं, भून गया है मसाला। अब हम इसमें शामिल करते हैं घिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे तरीके से अब हम थोड़ा सा भून लेंगे, मिक्स कर लेते हैं इसको घिया को। देख सकते हैं घिया को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं। 6 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए, आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी जो है वो श्रिंक हो गई है, और इसको भूनना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें स्पाइसेस जो थे वो ना भूनते, अगर हम इसको ना भूनते, और मैंने इसमें पानी नहीं शामिल किया क्योंकि सब्ज़ियाँ अपना पानी खुद छोड़ती रहती हैं। अब ये भून चुकी है अच्छे तरीके से, अब हम इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल करते हैं और इसको दम पर रख देते हैं
ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। और हमें इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, थोड़ा सा शोरबा चाहिए, इसलिए हमने इसमें पानी डाला है। अदरवाइज़ ये इसको दम पे ही रख दें ऐसे ही पानी के बगैर, तो ये गल जाएगी इसी तरह, क्योंकि अपना पानी छोड़ेगी। तो इस तरीके से देखें हमने इसको कर दिया। अब हम इसको ढक देते हैं इसके गलने तक, कुछ ही देर में गल जाएगी ये। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको दम पे रखे। हम इसमें कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच और 1 हरी मिर्च बारीक काट के हम इसमें ये शामिल कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। और अब हम इसको मज़ीद दम पे रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घीये की मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हो चुकी है मज़ेदार अंदाज में। आप देख सकते हैं शायद ही इतनी मज़ेदार रेसिपी आपने घीये की कहीं खाई हो, देखी हो। ये तैयार है, तो इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और अगर रेसिपी पसंद आ गई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।